नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पे बात करेंगे जो काफी अक्सर मुझे पूछा जाता है कि लिवर के पेशेंट्स का डाइट पे या खाना कैसा होना चाहिए। अब ये बहुत पूछने में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका काफी विस्तार में जवाब देना जरूरी है, बिकॉज ऐसी कोई एक सिंगल डाइट नहीं है या ऐसी कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है या जिसमें हम सभी तरह के डाइट्स हम बोल सकते हैं। लिवर को लेके आम जनता में काफी कंफ्यूजन और काफी तरह की भावनाएं हैं कि जब भी हम लिवर के पेशेंट को डाइट के बारे में बोलते हैं तो उसके दिमाग में तुरंत आता है कि भाई हमें, मैं कुछ भारी चीज नहीं खा सकता, मुझे उबला हुआ खाना खाना है, मुझे पीली चीजें नहीं खानी है, मुझे हल्दी नहीं खानी है। ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब जो थॉट हैं, इसका कोई बुनियाद आम तौर पे नहीं है। यदि आपको कोई एक्यूट लिवर प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ, जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए हो गया या हेपेटाइटिस ई हो गया, तो इन पेशेंट्स में अक्सर शुरुआत के दिनों में बुखार, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, ये सब लक्षण होते हैं। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में आता है कि हम उनको बहुत ही हल्का खाना दें कि शायद ये पचने में आसान हो। इस तरह की भावनाएं गलत हैं। आप इन पेशेंट्स को बल्कि सब कुछ खाने को दीजिए, बिकॉज इस वक्त पे इनको बॉडी में एनर्जी की जरूरत है। लिवर का काम ना सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना है, बल्कि उससे ज्यादा खाने का डाइजेस्ट करने का जो काम है वो आपकी आंतों का है। यदि हम खाना ढंग से नहीं खाएंगे उस वक्त पे, तो हमारी रिकवरी उल्टा स्लो होगी। तो यदि आपको उल्टियां नहीं आ रही हैं या उल्टियां दवाई की वजह से हम रोक सकते हैं, तब आपको खाना पूरा खाना है। यदि उल्टियां आ रही हैं और खाना नहीं खा पा रहे हो, तब आपको अस्पताल में जाके आईवी फ्लूइड वगैरह लगवाने की जरूरत है। बट यदि आप खाना खा सकते हैं, उल्टियां नहीं है, तो आप सब कुछ खाएं। किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, ना ही कोई पीली चीज बंद करने की जरूरत है, ना ही कोई उबला हुआ खाना देने की कोई जरूरत है। आप नॉर्मल खाना जो घर पे बाकी सब लोग खाएंगे वही ये पेशेंट्स खाएंगे। इनके लिए कोई बर्तन अलग करने की जरूरत नहीं, कोई अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं। खाना साफ सुथरा होना चाहिए, आपका पानी का सोर्स, आपकी सब्जियों का सोर्स साफ सुथरा होना चाहिए। यही एक चीज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि साफ सुथरा घर का खाना, शुद्ध बना हुआ खाना आप खाएं, लेकिन जो इच्छा है वो खाएं। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स में जिसमें क्रॉनिक लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय की लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लिवर का सिरोसिस है। अब लिवर के सिरोसिस में कुछ डाइट प्लान्स होते हैं। लिवर के सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर कई तरह की डाइट मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वक्त पे। यदि आपका लिवर की सिरोसिस की शुरुआत है, तो आपकी बॉडी में कोई खास कमी नहीं होगी, आप सब कुछ नॉर्मल डाइट जैसा खा सकते हैं। आपको कोई डाइट में कमी करने की या बंद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो डेफिनेटली आपको बंद करने की जरूरत है। अगर एडवांस सिरोसिस है, जिसके अंदर पेट के अंदर पानी आ रहा है, पेशेंट्स की आमतौर पर एडवांस सिरोसिस में जो मसल स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में सार्कोपेनिया बोलते हैं, मतलब मसल लॉस हो जाता है। So, इन पेशेंट्स को हम हाई प्रोटीन डाइट के लिए अक्सर कहते हैं। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से 2 mg/kg के हिसाब से आपने प्रोटीन खाना है। तो एवरेज की बात करें, 80-90 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। अब ये कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंपल चीजें हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज नॉनवेज बंद मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि लिवर के पेशेंट्स को नॉनवेज नहीं दिया जाता, वो नॉनवेज खा सकते हैं। आप चिकन, फिश, एग जो खाना चाहें, जो घर पे खाते हैं आप खा सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, सोयाबीन, दालें, अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग्स, एग्स का येलो भी, एग्स का वाइट भी, ये सब कुछ खा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बंद करने की जरूरत नहीं। अगर पेट के अंदर पानी ज्यादा है तो आपके डॉक्टर हो सकता है आपको नमक कम करने के लिए बोले, सॉल्ट कम करने के लिए बोले। जब सॉल्ट कम करने की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना है। अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली डाइट भी कम हो जाती है, और लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को हमें हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। हम उनकी डाइट कम नहीं करना चाहते। सो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि या तो जब आप खाना बना रहे हैं तब उसमें नमक ना ऐड करें, लेकिन ऊपर से एक चुटकी भर नमक नॉर्मल अपने अपनी डाइट में ले सकते हैं। इतना डाइट तकरीबन 3-5 ग्राम नमक आप दिन में डेफिनेटली ले सकते हैं, यदि आपको लिवर का सिरोसिस है भी। हाई सॉल्ट डाइट पे पर हम अवॉइड करने को बोलते हैं, उससे पानी का जो बनने की क्षमता है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, या पैरों में स्वेलिंग आने की क्षमता बढ़ जाती है। सो लिवर के सिरोसिस में एडवांस स्टेज पे आप हाई प्रोटीन डाइट,
हाई कैलोरी डाइट और लो सॉल्ट डाइट ये अवश्य अपने फॉलो कीजिए। आपने ये भी देखा होगा कि लिवर के पेशेंट्स में, एडवांस सिरोसिस के पेशेंट्स में जो शरीर में प्रोटीन की मात्रा है, एल्ब्यूमिन है, वो कम हो जाता है। यदि उसको हम 3.5 से ऊपर मेंटेन कर पाएं तो हमारा पेट का पानी कम हो बनता है, स्वेलिंग कम आती है। सो इम्पॉर्टेंट बात ओवरऑल मैं बताना चाहूँ तो ये है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की लिवर की समस्या है, चाहे वो एक्यूट समस्या है या क्रॉनिक समस्या है, आप कृपया करके उबला हुआ खाना या बिल्कुल हल्का खाना या येलो नहीं खाना, इस प्रकार की भावनाओं से, थॉट से थोड़ा दूर रहें। अगर यदि आपको उल्टियां नहीं आ रही एक्यूट की प्रॉब्लम में तो आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। यदि आपकी क्रॉनिक सिरोसिस है तो उल्टा आपको हम नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छा खाना खाना है, ताकि आपके रिजर्व जो है, जो आपके मसल मास है, वो आपका अच्छा तरीके से बना रहे। सो ये गाइडलाइंस हैं अक्रॉस द बोर्ड डाइट इन लिवर पेशेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।